हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है 11 मार्च का थर्ड शिफ्ट, उसके कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हैं वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इसमें कुछ हमने मैथ के क्वेश्चन ऐड किए हैं जो हम मेमोरी बेस्ड हैं, और फिर कुछ उसके बाद जीके के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्या था। वैल्यू पूछी गई थी 1/2 माइनस कोट 45 की। तो आप जानते हैं कोट 45 होता है आपका 1, तो 1 माइनस 1/2 इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर हमने ऑप्शन से जो दिए हुए थे उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते थे। शायद यहाँ पे माइनस 1 था, माइनस 1/2 माइनस 1 होगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा वैल्यू चेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन था जो वो था हमारा रेशियो मिक्सचर और एलिगेशन में से था। उसमें क्या दिया हुआ था कि मिक्सचर दे रखा था हमें मिल्क और वाटर का, उसकी रेशियो दे रखी थी मिल्क की और वाटर की, यानी कि उसमें एक भाग मिल्क था और चार भाग वाटर था। और उसे मिक्स किया गया था एक दूसरे मिक्सचर में जिसमें कि मिल्क और वाटर की रेशियो दी हुई थी 2:3, यानी कि 2:3। उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बना था उसमें हमें मिल्क की रेशियो पूछी गई थी। तो इसे हम किस तरह कर सकते हैं क्वेश्चन को, देखिए आप, हम इसे मिल्क को लेके चलेंगे। जैसे इसमें पहले मिक्सचर में मिल्क कितना दिया है हमारा 1/4, 1:4, तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्क की रेशियो 1/5। दूसरे में दिया हुआ है मिल्क 2:3 की रेशियो में मिल्क और वाटर, तो इसमें मिल्क हो जाएगा हमारा 2/5। और जो फाइनल रेशियो है उसमें थोड़ा क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए अब। इसमें जो फाइनल मिक्सचर था उसमें जो मिल्क और वाटर की रेशियो थी वो थी 1:1। तो हमसे पूछा गया था इसे हम फिर से करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर की रेशियो दे रखी थी 1:4 और दूसरे मिक्सचर में दे रखी थी 2:3, और इसे किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि जो फाइनल मिक्सचर है वो 1:1 का हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन था, आप इसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो इसे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम इसे सिर्फ मिल्क लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए पहले में हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी है 1/5, यहाँ से आ जाएगी 1:4 से, और दूसरे में है मिल्क की क्वांटिटी 2/5, और फाइनल में हमें चाहिए 1:1, यानी उसमें मिल्क कितना हो जाएगा 1/2। इस तरह से करके एलिगेशन लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखिए एलसीएम लेंगे हम, 10 एलसीएम आएगा इसका। तो जब इसे हम 10 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 2, और इधर हमारे पास बचेगी 4, और नीचे बचेगी 5। तो जब हम इसे हम माइनस करेंगे 2 में से 5, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब 5 माइनस 4 करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3, यानी कि हमें इस अनुपात में जब हम दोनों मिक्सचर से क्वांटिटी को लेंगे तो फाइनल रेशियो जो बनेगी 1:1 बनेगी। इस तरह का क्वेश्चन एक एलिगेशन मिक्सचर से पूछा गया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो ये था कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। तो दोनों काम कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि ए और बी एक काम को 8 और 10 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम कितने टाइम में होगा। तो इसे आप सिंपली कर सकते हैं 1/8 + 1/10 करेंगे, और जो आएगा उससे आप रिवर्स कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर था आई थिंक 40/3 इसका आंसर आया था, तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो था कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमें एरिया निकालना आता है सर्कल का, उसे सिर्फ हाफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर ले जाएंगे, नंबरिंग शायद गलत हो गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सम बिकम 10,000 एट रेट ऑफ 10% इन 10 ईयर, फाइंड द सम। एक मूलधन है वो 10,000 रुपये हो जाता है 10% की रेट पर 10 साल में, तो सम कितना था। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसका आई थिंक आंसर जो बन रहा था वो था 5,000। तो इसे आप ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन को।
इस वीडियो का मकसद केवल आपको टाइप्स बताना चाहता हूँ मैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उन्हें कर सकें। अगला क्वेश्चन था वो था प्रॉफिट लॉस के ऊपर। उसमें क्या था, एक व्यक्ति ने जैसे अ मैन परचेज्ड आइटम एंड मार्क्ड इट्स सेलिंग प्राइस एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उसे 60% अधिक के मार्क प्राइस पे, मतलब उसका मार्क प्राइस जो था 60% अबव रखा और उस पर फिर ही गिव 20% डिस्काउंट, उस पर फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना हुआ, कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो जैसे जैसे आप कर सकते हैं, मान लीजिए 100 की चीज़ थी, 60% उसने उसको मार्क प्राइस किया यानी कि 160 हो गया, उस पर 20% उसने दे दिया डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 32 रुपये कम हो जाएंगे इसमें से। तो जो भी बचेगा उसे आप 100 से कंपेयर कर लीजिएगा, उतने परसेंट का अपना प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था वो था टाइम डिस्टेंस स्पीड टाइम पे था कि वो था ट्रेन के ऊपर कि एक ट्रेन है उसकी लेंथ दे रखी थी 245 और प्लेटफॉर्म की लेंथ रखी थी 355, मतलब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करती थी कितने समय में, 20 सेकंड में। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे ट्रेन की, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 245 प्लस 355 यानी कि 600/20, यानी कि स्पीड जो है वो आ जाएगी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद पूछा गया था हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 430 मीटर। अब उसको उसी ट्रेन को अगर 430 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, 430 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। हमसे पूछा गया है कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड करके नीचे डिवाइड बाय स्पीड कर देंगे जो कि हमने अभी कैलकुलेट की थी, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था हमारे पास वो था रेशियो प्रोपोर्शन से। उसमें क्या पूछा गया था कि एक्स और वाई के टर्म्स में एक हमें इक्वेशन दी हुई थी, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/5 ऑफ वाई। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में देखा गया था, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें अपने दोनों को कंपेयर करना था और रेशियो निकालनी थी एक्स और वाई की, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, आप इसे ईजिली कर लेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन आए हुए थे डीआई के ऊपर, डीआई सिंपल थी बिल्कुल, टेबुलर बेस्ड डीआई थी। उसमें क्या था, इस तरह से आपको वैल्यू दे रखी थी, कुछ इस तरह का टेबल था, 5-6 वैल्यूज़ थी, ए बी सी डी नीचे था, ए बी सी डी इस तरह से यहाँ वैल्यूज़ दी हुई थी, 250 300 इस तरह से वैल्यूज़ थी। और पूछा गया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे कि ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है, इनमें से सबसे ज़्यादा किस मंथ में सेल हुई, इस टाइप का क्वेश्चन था एक, तो ये भी बिल्कुल इजी था, स्क्रीन देख के आप उसे इजीली कर लेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जीके के ऊपर। एक क्वेश्चन आया हुआ था फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज आर कॉल्ड, तो जो हिमालयाज की फुट हिल्स हैं जो सबसे नीचे वाले लोअर हिमालयाज है उन्हें हम कहते हैं शिवालिक, शिवालिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास इन सलाइवा अमाइलेज कन्वर्ट द डैश इनटू ग्लूकोज, यानी जो सलाइवा है जो हमारा सलीवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है उसमें जो एंजाइम होता है वो उसका नाम होता है अमाइलेज, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ये एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था जो कि मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे याद है तो मैंने इस वीडियो में से डाल दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा और लोकसभा से, तो दोनों ही पूछे गए थे, ऑप्शन में दे रखा था, तो इसका राइट ऑप्शन था राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2, यही इसका राइट आंसर था, ऑप्शन दे रखे थे काफ़ी, तो राइट ऑप्शन विल बी 12 एंड 2। अगला क्वेश्चन था ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, हमसे पूछा गया था मोमेंटम के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट होगी हमारी केजी और वेलोसिटी की हो जाएगी
तो हमारे पास मोमेंटम होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट हो जाएगी आपकी केजी और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर था केजी मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन को इजीली आप कर लेंगे इस तरह के, मतलब कि आपको एसआई यूनिट्स याद करके जानी होंगी पेपर में अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन था वो था एक्सेलरेशन हमें निकालनी थी, और हमारे पास मास दे रखा था और फोर्स दे रखी थी। तो हमें पता है एफ फिजिकल टू एम ए, यानी कि फोर्स फिजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी, एफ हमारे पास 24 था, एम हमारे पास 4 था, और ए यानी कि एक्सेलरेशन निकालनी थी। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 24/4, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 6, और 6 ऑप्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चन अब इजीली कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था अमीर खुसरो के ऊपर क्वेश्चन था। उसमें अमीर खुसरो की लिखी हुई कुछ बुक्स दी हुई थी ऑप्शंस में, लैला मजनू हो गया जैसे, और 3-4 थी। तो उसमें से पूछा गया था इनमें से कौन सी बुक अमीर खुसरो की लिखी हुई नहीं है। तो आप इस तरह से कि बुक्स जो है इंपॉर्टेंट वो सब याद करके जाइएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन था एक इकोनॉमिक्स से, वो था इफ़ सेविंग इंक्रीजेज इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, अगर जो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो सेविंग का अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाता है, देन द प्रॉफिट विल, तो लाभ जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम होगा, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैंने तो बी लगाया है, और मैंने चेक भी किया है, आई थिंक ये ठीक है, बट आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। उसके अलावा एक क्वेश्चन था डांस फॉर्म से, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप डांस फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आ रखा था पीएच वैल्यू से क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि हमें वैल्यू दे रखी थी, एक एच प्लस आयन था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, और एच प्लस आयन था और उसकी पीएच वैल्यू पूछी गई थी। तो हमें पता है जो एच प्लस आयन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे जो 7 वैल्यू है वो तो हमारा न्यूट्रल वैल्यू है, 7 से जो इधर होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं, और जो इस साइड होते हैं वो सब बेसिक होते हैं। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हमसे पीएच की वैल्यू मांगी गई थी एच प्लस आयन की, तो एच प्लस आयन जो होते हैं वो इस लाइन के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ऑप्शन दे रखे थे पीएच वैल्यू के 8, 9, 10, 6, तो उसका सही ऑप्शन जो था पीएच वैल्यू का वो 6 था। मुझे क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है, तो आप ये टॉपिक एक पीएच वैल्यू वाला एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अलावा रीजनिंग बहुत ही सिंपल आ रखी थी, रीजनिंग तो आप इजीली 25 क्वेश्चन आई थिंक कर लेंगे, कोई क्वेश्चन भी क्लॉक या कैलेंडर से नहीं था। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके अभी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि पेपर किस तरह का आ रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।